क्या नाम है आपका? नीरज। क्या हुआ था आपके साथ? पूरी पूरी बात बताइए शुरू से लेकर एंड तक। पिताजी से। मेरी पत्नी शीतल ने 12 नवंबर को मेरे पिताजी को खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। 12 नवंबर 2018 अच्छा। उसके बाद उसके पिता उसे आकर घर पे आकर शीतल को ले गए। उसने भागने की कोशिश की थी जहर खिलाकर, पर उसको हम पकड़ कर। कोई पहले से कोई अनबन चल रही थी पत्नी के साथ आपकी? 2 दिन पहले अपने मायके से होकर आई थी। ससुराल कहाँ आपकी? मिर्जापुर। मिर्जापुर में, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने कंप्लेंट उसकी दर्ज करा दी थी जो जहर खान खिलाया था। उसके बाद उन्होंने क्रॉस केस दहेज का हमारे ऊपर महिला थाना बल्लभगढ़ में दे दिया था। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी को मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आपको भी वहाँ पे आदर्श नगर थाने में भी बुलाया गया था परसों। हाँ जी, परसों की बात है ना। तो क्या कहकर बुलाया था? और पहले बताओ वो महिला थाने वहाँ की बताओ, पहले महिला थाने में क्या हुआ? मुझे महिला थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया था, जहाँ पर ये 20-30 गुंडों को लेकर आए हुए थे और मेरे साथ वहाँ लड़की वाले लेके आए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं बातचीत कर रहा था, उसी दौरान पीछे से मेरे साले ओमवीर ने मेरी गर्दन पकड़कर घूंसा मारा। उसके बाद से धमकी देते हुए दूसरे साले गुलशन ने भी मेरे पे घूंसे और लात मारने चालू। वही थाने के अंदर ही? हाँ जी, जी। और इस दौरान मेरे ससुर वीरेंद्र भी मुझे धमकी देता रहा कि तुझे जान से मार देंगे, बाहर निकल तू थाने से। उसके बाद वहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मुझे उनसे बचाया। उसके बाद मैंने सविता मैडम है SHO महिला थाना बल्लभगढ़ की, हाँ जी, उनके संज्ञान में है यह पूरा मामला। उन्होंने मुझसे कहा उस टाइम थाने में। हाँ जी, वो वहाँ पर उनके सामने ही हुआ था ये इंसिडेंट। उनके सामने ही यह इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, क्या कार्रवाई करी उन्होंने फिर? उन्होंने मुझसे, उनके सामने सारा कुछ हुआ है तो उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? उनसे उन्होंने मुझसे लिखित कंप्लेंट ली और मुझसे कहा कि अपना मेडिकल कराओ और अपनी शिकायत वो आदर्श नगर थाने में दे दो, जिसके लिए मैं अपना मेडिकल कराकर आदर्श नगर थाने में IO देशराज को अपनी कंप्लेंट दे आया। उसके बाद मुझे कई बार बुलाया गया, मुझसे धमकी दी गई कि अपने माँ बाप को बुला के ला और सबको बुला के ला, मैं करूँगा तेरा फैसला। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित होकर मैंने IO देशराज की शिकायत CM विंडो पर दी। शिकायत क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने कोई भी कार्रवाई मेरे शिकायत पर नहीं की थी। रिसीविंग दी थी आपको? मुझे रिसीविंग भी नहीं दी थी मेरी शिकायत की। शिकायत की रिसीविंग भी नहीं दी? नहीं दी थी। ये कौन सी तारीख की बात है लगभग? कोई डेट याद है? ये 10 तारीख को 10 दिसंबर। अच्छा, हाँ जी। मारपीट के बाद जब दे दी थी, फिर मैं उसके बाद कई बार कार्रवाई के लिए मैंने बोला उनसे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जब मैंने मेडिकल और अपनी शिकायत दे दी है। उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो CM विंडो पर मैंने अपनी शिकायत दी, जिसके लिए मुझे अब बयान के लिए बुलाया गया आदर्श नगर थाने। मैं बयान देने के लिए वहाँ पर गया था तो वहाँ पर मुझे IO देशराज ने पकड़कर जेल। कितने बजे गए थे आप? मैं सुबह 10:30 बजे वहाँ पर गया था। अच्छा, IO देशराज ने बुलाया था आपको? घंटे होने के जेल के अंदर डाल दिया। मतलब आपको और आपके आपके मतलब जो लड़की वाले थे उनके उनको एक साथ डाल दिया अंदर? एक साथ एक ही सेल में डाल दिया था। उनको किस लिए डाला है जब मतलब, और आपको उनको एक साथ क्यों डाला है? उनको पता है कि आपस में विवाद चल रहा है। हाँ जी, एक ही कमरे में। ये क्या कोई सोची समझी साजिश लग रही है आपको? मुझे सोची समझी, क्योंकि रात को जब मेरे साथ मारपीट हुई है तो IO देशराज बोल रहा था उस दूसरी पार्टी से ₹1,00,000 मिल चुके हैं, अब तू कितने देगा अगर तुझे बचना है। अच्छा, हाँ जी। उसकी कोई रिकॉर्डिंग है, सबूत है आपके पास जो जब उन्होंने बात बोली थी? नहीं जी, मेरे कपड़े सारे उतरवा लिए थे। सारे उतार लिए थे? सारे कपड़े। हाँ, और मेरे साथ डंडों से लात घूंसे और बेल्ट से चोट लगी हुई है। बेल्ट से, बेल्ट से आगे पीछे हो जाओ जी। ये रही बेल्ट लगी, ये रही, ये रही, देखो मारा धूप आने, हटो पीछे, धूप में क्लियर ऐसे घूमते इस तरफ। हां आप थोड़ी ऐसे हो जाओ,
ये किससे मारा गया आपको? छित्तर से मारा गया। छित्तर है जनाब, बेल्ट होती है जो, हाँ जो छित्तर होता है इतना बड़ा। और कहाँ पे लगी है चोट? यहाँ लगी है। पैर दिखा दो एक बार, रुको ना, छित्तर तुम हाथ दिखा दो, कान के पीछे हमारी कंप्लेंट, हमारे हाथ, ये हाथ भी। अच्छा मेडिकल करवा लिया आपने? हाँ जी मेडिकल करवा लिया। इधर देखो जनाब, यहाँ देखो बेल्ट का निशान यहाँ है, इधर भी है, पीछे भी है, पीछे भी है जी। जो पैर मारा गया जी, हाँ जी, पानी में भिगो दिया गया आपको, साढ़े तीन बजे कपड़े नहीं पहने, पैरों में डंडे से करवा में मारे हैं जी, करवा में मारे हैं, पानी भी डाला है ऊपर, पानी में भिगो के रखा है रात को साढ़े ग्यारह से साढ़े तीन, साढ़े ग्यारह से साढ़े तीन बजे तक पानी में रखा है। ये देखो करवा में मारे हैं जी, देखो देखिए आप। और उसके साथ ये एक सिपाही रोहित भी था, और दो तीन क्या नाम है सिपाही का उसका? रोहित। अच्छा चार पांच थे जो नशे की नशे कर रखे थे जिन्होंने, दोनों दारू भी रखी थी उन्होंने, सारे ने पी रखी, छह जने थे वो, उन्होंने भी हाथ उठाया जो आप लड़की वाले हैं, उन्होंने भी हाथ उठाया? नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि वो सेल के अंदर थे और मुझे बाहर ले जाकर मेरे कपड़े उतरवा कर जब पिटाई की थी और मुझसे ये कहा था कि साइन करो, दो ब्लैंक पेजों पर साइन करने के लिए मुझसे कहा गया था। तो साइन करवा लिया आपसे वो? हाँ जी साइन करवा लिए, और मुझसे कुछ एक कि मैं संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, ऐसा करवा के एक एप्लीकेशन भी लिखवाई थी। मतलब आपको मारपीट कर धमका कर जबरदस्ती करवाए गए साइन? आयु देशराज और दूसरे सिपाही का क्या नाम बता रहे थे? रोहित। सर आप पिता है इनके जी? तो आप थे उस वक्त जब इनको परसों बुलाया गया था थाने में, तो आपके साथ कौन था? और उस दिन ये पंडित जी दिन के टाइम थे, हम अच्छा दिन के टाइम थे, सब जाओ यहाँ से, सब टहला दिए, जाओ उन्हें, हम जब बोले बारी हमें से मिला है देदराज ने, कुछ नहीं होगा। तो इसमें शिकायत इन्होंने करी और इन्हीं को ही जेल में बंद कर दिया। जब हमने उनसे पूछा ना कि कारण क्या, ये पूछा नहीं उनसे? पूछा हमसे, उन्होंने ये कहा था जनाब मैं बताता हूँ, महिला सेल में इनके खिलाफ कंप्लेंट डाले थे वो लोग, ठीक है, उसमें हम भी गए थे महिला सेल में, कम से कम 50-40 उस पक्ष के लोग थे, 10-15 हम लोग भी थे, हम किसी पक्ष के नहीं है, हम इनके एक रिश्तेदार हैं, वो गाड़ी नहीं चलाना जानते मोटरसाइकिल, तो मैंने उनको बैठा कर ले गया था वहाँ, उन लोगों ने बात बदतमीजी से कर रहे थे प्रशासन के सामने, और वहाँ पर एक लड़का था उसका नाम मैं नहीं जानता, उसने इनको गला पकड़ लिया जनाब, हाँ जो भी बता रहे थे, हाँ जी गला पकड़ लिया और वो गला इनको दबा दिया, मैं बगल में खड़ा था, मैंने जा करके उसको धक्का दे करके गला से हाथ हटा दिया, नहीं तो 2 मिनट में इनका काम हो गया होता, इनकी आंखें टंग गई थी, खिंच दबा गला दब गया था, जान से मारने की नियत से दबाया जो भी हो, मैं तो नहीं कह सकता क्या नियत थी उनकी, वो जाने, मगर जो हमने छोड़ा दिया। उसके बाद इस लड़के पर मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है इनका, मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ, मार लातन और घूसन, और उनके पोता पर भी लात मारा गया, जिसमें की लात हमको भी लगा था, मैं कुछ कोई रिश्तेदार नहीं उनका, बीच बचाव में लात लगी आपको? जी हाँ, हम मतलब कि हमको नहीं देखा गया, मैं इस लड़के को बचाया और लोग ही बचाए, हमारे साथ एक बुजुर्ग थे हैं, वो भी साथ थे, फिर मैडम भी थी, सारा शासन प्रशासन था, हमें तो ये लग रहा है कि ये मैडम का कुछ सियासत था, क्योंकि मैडम के सामने उनका आदमी मारा जा रहा है थाना के अंदर, एसएचओ मैडम की? नहीं नहीं, दूसरी जो थी जी, दूसरी मैडम थी थाने की, हाँ जी, वो हम लोग का बात सुनने पर आजी ने, आईओ का नाम क्या है पता नहीं जी, नाम क्या है? सुमन, आईओ सुमन, हमको नहीं पता क्या नाम है, हम लोग की बात तो सुनने पर आजी ने, मैडम ये क्या तरीका है, ये क्या असूल है, आप सुनिए, नहीं आपकी बात बनती है तो केस आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा फिर क्या हुआ वहाँ पर जी? मतलब कि वहाँ से जिनको हम बचा लिया या सब लोगों ने बचा लिया, उसके बाद जो बड़ी मैडम है, नाम नहीं जानता मैं उनका। सर ये बताइए, ये तो चलो महिला थाने में वो केस अलग होगा, ये अलग मैटर वो है। बता रहा हूँ उसका भी बता रहा हूँ, इनको जो बुलाकर इनको उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके विषय में बता रहा हूँ जनाब। फिर इन लोगों ने मतलब कि कंप्लेन वहाँ थाना से इजाजत मिली, ऑर्डर मिला कि आप मेडिकल कराओ, और फलाने थाने सुनवाई नहीं हुई, एप्लीकेशन दिया गया, साहब ने रख लिया, फिर इनसे ये गए थे कि हमारा क्या हुआ एप्लीकेशन के विषय में, तो साहब ने ये कहा था इनसे कि कोई झगड़ा नहीं हुआ महिला सेल में, देसा साहब सुन रहे हो, महिला सेल में कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमने पता कर लिया। हमने बोला कि जनाब ये कैसे हुआ, जो वहाँ सैकड़ों लोग थे, पूरी प्रशासन थी, आप कह रहे हैं झगड़ा नहीं हुआ, ले चलिए मैडम के पास हम लोगों को,
बुलाइए हम चलते हैं। तो देश राज जी ने ये कहा, बवाल झगड़ा अभी बताता हूँ तुम्हें झगड़ा का, तू कौन है रे, हमको बोला गया तू कौन है रे। मैंने बोला जनाब मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई इनका रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, मैं मौके पर था, हम किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूँ। मतलब आप लोगों को उल्टा वापस दबाया जा रहा है? दबाया नहीं गया, हम लोगों का पूरा समझो। अच्छा, कि मुझे हम लोगों के साथ एक चीज और बताइए कि इसमें किसी बीजेपी या कांग्रेसी नेता का सपोर्ट भी है उनको, लड़के वालों को? अभी इस विषय में तो हम नहीं कह सकते कोई, क्योंकि मैंने अभी सुना था कि कोई बीजेपी का है, शायद बीजेपी का बड़ा नेता कोई आया था ये आईओ के साथ, आईओ देशराज के साथ। नहीं कोई बात नहीं, किसके साथ क्या है वहाँ पर। हम लोग जो है एक पंचायत से हुई, तो पंचायत में हम अभी आप सीपी ऑफिस में खड़े हो यहाँ पे, अब आपने दरखास्त दी है इसके बारे में, क्या बोला सीपी साहब ने? हम तो नहीं गए थे जनाब, इंक्वायरी कराई जाएगी। हाँ जी, और आप लोग रिसीविंग ले लिया आप लोगों ने यहाँ से? नहीं अभी मिल गई क्या? नहीं मिली अभी, नहीं मिली। तो मतलब उस रिसीविंग लेने के बाद क्या क्या रहे हैं, मतलब कितना टाइम दिया है? कोई एक सप्ताह का, दस दिन का, पंद्रह दिन? ऐसा कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं दिया। रिसीविंग आदर्श नगर से क्या चाहते हैं आप लोग, सीपी साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, कार्रवाई न्याय मिले, हमें न्याय हो, न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। दो सीट हमारे साथ न्याय हुआ है और आयु बदला जाए, ठीक है, आईओ के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए, आईओ के साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और क्योंकि जब भी हम थाने गए हैं जो आईओ से एक ही चीज बोलता है कि तुम्हें बैठा दूंगा अंदर। ये आईओ देशराज बोलते हैं? हां जी, आईओ देशराज ने ये शब्द बोले हैं। हम जब भी उनसे मिलने गए हैं आदमी ने बोला जो कोई गया तुम्हें भी बैठा दूं अंदर। और उन्होंने ये तक कहा कि मेरे सीएम विंडो पे शिकायत दी है, मैं उसकी पूरे पर शिकायत दी है आपको। ये उसी दिन की बात है जब ये इनको बुलाया था, की बात है जिस रात इनको मारा गया है 29 तारीख की रात से। जब हमने ये पूछा है ना कि इनको क्यों रखा है अंदर, उन्होंने कहा मेरी सीएम विंडो पे क्यों दरखास्त दी है, मैं तो पूरी दरखास्त दी है, धमकियां दी और धमकी दी है। तो शिकायत की वजह से इस लड़के के साथ ऐसा सलूक किया गया, ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई।